ବିହାରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା। ମଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରାଜନୀତି। सुशासन बाबू को संवेदनहीन बयान। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। दिल्ली रो पटना जाए कोहराम। चार सालों में गुजरात में 50 मौतें हुई और बिहार में 21 मौतें हुई। मौतों बनी राजनैतिक हथियार, लड़ाई चली थी आर पार। शराब भगवान की तरह हो गया है, भगवान हर जगह होते लेकिन दिखते नहीं। शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं लेकिन शराब हर जगह मौजूद। जिए मद पीबे सीए मरीबे, पूर्वरु होइथिला एबे भी हेउछि, एथिरे कोनोसी नुआ कथा नहीं। राज्य रे विषाक्त मद मृत्यु को नै लुह सुखुनथिबा बेले एबोली बेपरुआ बयान दैछंती बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विषाक्त मद पी बिहार रे 40 जन को जीवन गलानी, किंतु प्रथमे विरोधी को प्रश्न, परे विधानसभा रे टार्गेट और परे मुख्यमंत्री को एभली दायित्वहीन मंतव्य को नीतीश को काठगड़ा रे छिड़ा करी छि। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया, तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपोस्टम के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। विषाक्त तो मद पी मृत्युवरण करितबा लोगों को परिवार एबे असहाय होई पड़िछंती। परिवार हतबाक, गां लोके भयभीत। हॉस्पिटल बाहर परिजन को स्वास्थ्य अवस्थार उन्नति आशा करी बाहर अपेक्षा करिछंती लोके। अनेक एबे भी हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन रहिछंती। ए परिस्थिति रे मृत्यु संख्या बढ़ी पारे। जेउ राज्य रे मद को ब्यान करा जाय छी, सेठरे मद पी लोके किपरि प्राण हरायले ताहा को नै प्रश्न उठि छी। सेपटे मौका देखि चौका मारिबा परि मद मृत्यु मामला को कैच करि छी विरोधी बीजेपी। दिल्ली रु बिहार जे प्रसंग उठाई दलीय नेता माने धूम बरसि छंती। विधानसभा बाहर बीजेपी विधायक माने धारणा रे बसिबा स जोरसोर विरोध प्रदर्शन करिछंती। छपर जाए पीड़ितों परिवार को भेटी बीजेपी विधायक दल। शराब पी कर अभी तो फिलहाल यहाँ 4 आंधी एक्सपायर हुआ है, 4-5 आंधी एक्सपायर कर गया है और आगे साफ का टोला पड़ेगा, वहाँ पर 7-8 आंधी एक्सपायर हुआ है। अभी बहुत लोग पटना हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। तेजस्वी यादव जी अभी नया नया के नेता उभरे थे, लेकिन कुर्सी के लिए सिद्धांत के लिए जिस तरह से समझौता कर लिए, जिस तरह से अपमान सह रहे हैं बिहार की जनता का, जिस तरह से हत्या अपहरण लूट बलात्कार जहरीली शराब से मौत हो रही है और उस पर ये लोग ताली बजा रहे हैं, मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहे हैं, ऐसे लोग को बिहार की जनता सजा देगी। बिहार और गुजरात का अगर कंपैरिजन किया जाए तो भी उन 4 सालों में गुजरात में 50 मौतें हुई और बिहार में 21 मौतें हुई। तो ये बीजेपी के लोगों का केवल नफरत, झूठ, यही एजेंडा है फैलाने का। मौतो बयान राज्य रे मौतो आसिला के उठू, इतने संख्या रे लोगों को मृत्यु पाई किए दायी। सुशासन बाबू को सरकार जहर मिसा कामर उत्तर दायित्व न नै एभली मंतव्य पई एबे चारि आड़े निंदा नागरा बाजुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।